आजमगढ़ में बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने बसपा नेता कलामुद्दीन की हत्या के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल भी बरामद कर लिया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि कलामुद्दीन की हत्या की साजिश दुबई से रची गई थी। दरअसल कलामुद्दीन एक अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति था और कलामुद्दीन के डर की वजह से गांव के ही रहने वाले मशरूर और अली शेर कुछ साल पहले दुबई चले गए थे। दुबई जाने के बाद मशरूर और अली शेर ने कलामुद्दीन की हत्या की साजिश रची और शूटरों को हत्या की सुपारी दे डाली। 15 फरवरी को कलामुद्दीन जब अपने घर जा रहे थे तो इनकी हत्या कर दी गई थी और उस हत्या में 6 लोग नामजद हुए थे, जिसमें कुछ लोग दुबई में हत्या के समय थे, वो 120वीं में थे और बाकी लोग गांव के लोग थे। इसमें आज उस हत्या का पूरा खुलासा हुआ है, उसके कारणों का भी खुलासा हुआ है। इसमें दो लोग, एक रिजवान और एक कासिफ, ये दो लोग पकड़े गए हैं और इनके पास से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर का रिवॉल्वर भी, पिस्टल भी बरामद हुआ है। खोखे भी इनके पास से बरामद हुए हैं और कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए हैं। घटना के बारे में जब इनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ये जो मृतक था कलामुद्दीन, ये आपराधिक प्रवृत्ति का था और दुबई में जो दुबई से जो अवैध कारोबार किया करते थे गांव के लोग, उनकी रंजिश के आधार पर पहले भी इस गांव में मर्डर हुए हैं। इसने कलामुद्दीन ने पहले 1989 में एक मर्डर किया था अपने साथियों के साथ और फिर दूसरा मर्डर 2020 में दूसरा मर्डर इसने किया, वो भी विपक्षियों का किया था। उसी रंजिश में इसका मर्डर किया गया और इसमें जो दुबई से बैठ के जो कारोबार किया करते थे उसकी प्रतिद्वंदता के आधार पर ये मर्डर, पहले भी मर्डर हुए थे और अब भी मर्डर किया गया है। कुछ लोगों द्वारा ये प्रचारित किया गया था कि ये जो पार्टीबाजी की रंजिश के कारण ऐसा हुआ, लेकिन ऐसी कोई बात इसमें नहीं पाई गई है और ये प्योरली मर्डर जो है वो गांव की रंजिश का है, जो इनकी प्रतिद्वंदता, जो इनकी जो कारोबार है उसकी प्रतिद्वंदता के आधार के ऊपर ये मर्डर किया गया है। देखिए उस पर सब जांच चल रही है, उस विषय में अभी जांच चल रही है। गौरतलब है कि 15 फरवरी की शाम को कलामुद्दीन स्कॉर्पियो गाड़ी से घर जा रहे थे, उसी दौरान कुछ बदमाशों द्वारा रास्ते में गाड़ी रुकवा कर गाली गलौज की गई और गाड़ी से उतरकर उनके ऊपर फायर कर दिया गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और दुबई में ही रह रहे आरोपी मशरूर और अली शेर को भारत लाने की तैयारी शुरू कर दी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार की रिपोर्ट।